17 दिसंबर 1903 मानव इतिहास का वो दिन था जब इंसान ने पृथ्वी की खुली हवा में पहली बार विमान उड़ाने में सफलता पाई थी। पर 117 साल बाद 19 अप्रैल 2021 के दिन हम इंसानों ने मानव इतिहास में पहली बार धरती से अरबों किलोमीटर दूर किसी दूसरी दुनिया यानी कि मंगल ग्रह पर उड़ान भरने में कामयाबी पाई है। हाल ही में नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए परसिवरेंस रोवर के अंदर इंजीनिटी नाम का एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी मौजूद था जिसने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। वैसे तो मंगल ग्रह पर हम अनेकों रोवर और ऑर्बिटर भेज चुके हैं, पर मंगल ग्रह पर एक हेलीकॉप्टर उड़ाना हमारे लिए इतनी बड़ी कामयाबी इसलिए है क्योंकि मंगल ग्रह के वायुमंडल का घनत्व पृथ्वी की तुलना में सिर्फ 1% है। इसलिए पृथ्वी की तुलना में एक तिहाई गुरुत्वाकर्षण होने के बावजूद भी सिर्फ 1% घने वायुमंडल के कारण मंगल ग्रह पर हेलीकॉप्टर को सिर्फ 10 फीट ऊपर उठाना पृथ्वी के वायुमंडल में 100,000 फीट ऊपर उठाने के बराबर है, जबकि पृथ्वी पर अभी तक कोई भी हेलीकॉप्टर 40,850 फीट से ऊंची उड़ान नहीं भर पाया है। साथ ही मंगल ग्रह पर मौजूद हेलीकॉप्टर के पास ईंधन के नाम पर सिर्फ सौर ऊर्जा का ही सहारा है जो उसे ऊपर लगे छोटे से सोलर पैनल से प्राप्त होती है, जिसका भी 65% भाग सिर्फ हेलीकॉप्टर को गर्म करने में ही खर्च हो जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह की -90 डिग्री ठंडी रातों से हेलीकॉप्टर को बचाना बेहद ही जरूरी काम है। इस मदद के बिना हेलीकॉप्टर के पार्ट्स इतने कम टेम्परेचर में टिक ही नहीं पाएंगे। फिलहाल अभी यह 40 सेकंड की एक टेस्ट फ्लाइट थी, आगे 30 दिनों के दौरान 4 और उड़ानें भरी जाएंगी जिनके द्वारा और अधिक ऊंचाई और दूरी हासिल करने के साथ फ्लाइट की उड़ान का समय भी 40 सेकंड से बढ़ाया जाएगा। इस हेलीकॉप्टर की उड़ान को कामयाब बनाने में अनेकों वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और ढेर सारा पैसा लगा है। वैज्ञानिकों को ढेर सारी समस्याओं का सामना करने के बाद ये कामयाबी हासिल हुई है। मंगल पर उड़ान भरने के लिए हेलीकॉप्टर को बहुत ही हल्का होना था। वजन को कम रखने के लिए हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर और पैर बनाने के लिए कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। हेलीकॉप्टर में इंसुलेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया गया है। इन सब कोशिशों की वजह से इंजीनिटी हेलीकॉप्टर सिर्फ 1.8 किलो वजन के अंदर बनकर तैयार हो गया। आम तौर पर पृथ्वी पर साधारण हेलीकॉप्टर लगभग 500 आरपीएम पर काम करते हैं, पर मंगल ग्रह के पतले वायुमंडल में इंजीनिटी हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर को लिफ्ट पैदा करने के लिए 2400 आरपीएम पर काम करना पड़ता है। इंजीनिटी में एक रोटर हेड पर 4 फीट चौड़े 2 प्रोपेलर लगे हैं जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में घूमते हैं। रोटर्स की इस खास पोजीशन को कॉन्ट्रा रोटेटिंग कोलेक्सियल रोटर्स कहते हैं। इंजीनिटी के सर्किट बोर्ड में स्नैपड्रैगन 801 प्रोसेसर लगा है जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसमें पावर बैकअप के लिए 35 kWh की 6 सोनी लिथियम आयन बैटरी लगी है। साथ ही इसमें डेटा इकट्ठा करने के लिए 3 कैमरों के साथ कई तरह के सेंसर लगे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले लगभग ज्यादातर रोवर मिशनों में रोवर के साथ इंजीनिटी जैसा एक हेलीकॉप्टर जरूर भेजा जाएगा, जिसका मुख्य कार्य रोवर को रास्ता दिखाना होगा। हेलीकॉप्टर के द्वारा रोवर के रास्ते की अच्छे से जांच करने के बाद ही रोवर को आगे भेजने की कमांड भेजी जाएगी, जिससे रोवर सुरक्षित रहेगा और समय की भी बचत होगी, क्योंकि एक बार हेलीकॉप्टर के रास्ता चेक कर लेने के बाद आप रोवर को एक लंबी दूरी तय करने की कमांड दे सकते हैं। क्योंकि मंगल ग्रह पृथ्वी से इतना दूर है कि आपकी भेजी गई कमांड रोवर तक पहुंचने में कम से कम 20 मिनट लगते हैं। इसके बाद रोवर आपकी भेजी गई कमांड पर काम करना शुरू करता है और इसका रिजल्ट आपको आपकी कमांड भेजने के कम से कम 1 घंटे बाद दिखाई देता है। इसलिए हर बार रोवर को आगे भेजते समय आपका रोवर रिस्क में रहता है। रोवर को भेजी गई कमांड एक गोली की तरह होती है जो एक बार आपकी बंदूक से निकल गई तो आप उसे रोक नहीं सकते और आपको 1 घंटे बाद पता चलेगा कि आपका निशाना सही लगा या नहीं। ऐसे में हेलीकॉप्टर रास्ते को जांच कर इस रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर देता है। साथ ही मंगल ग्रह पर ऑर्बिटर और रोवर की अपनी कुछ सीमाएं हैं, पर इंजीनिटी इन सीमाओं से परे अद्भुत काम कर सकता है। रोवर से हम किसी भी दुर्गम जगह की फोटो नहीं ले सकते और ऑर्बिटर इतनी ऊंचाई पर होता है कि तस्वीर साफ नहीं आती, लेकिन हेलीकॉप्टर से हम किसी भी चट्टान या ग्लेशियर की साफ तस्वीर ले सकते हैं जो ऑर्बिटर की तुलना में 10 गुना साफ होगी। हेलीकॉप्टर के जरिए हम बहुत ही अच्छे से लावा ट्यूब्स, जमीनों की दरारों, ग्लेशियर आदि की बहुत ही अच्छे से जांच कर पाएंगे। हेलीकॉप्टर को परसिवरेंस रोवर से प्राप्त वीडियो में आप उड़ता हुआ देख सकते हैं। यह मंगल ग्रह की एक रियल वीडियो है। यूनिटी हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरते समय खुद की ही परछाई का एक फोटो भी लिया है। फिलहाल इंजीनिटी हेलीकॉप्टर की यह टेक्निक अभी अपने शुरुआती चरण में है, लेकिन आगे भविष्य में यह टेक्निक मंगल ग्रह पर जिंदगी का पता लगाने और जिंदगी को मंगल ग्रह पर बसाने के सफ़र में हम इंसानों के लिए बहुत ही अहम रोल निभाएगी।
साथ ही इस मिशन की कामयाबी पर कई और मिशनों की कामयाबी टिकी थी, क्योंकि शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन पर एक हेलीकॉप्टर मिशन भेजा जाएगा जिसे ड्रैगन फ्लाई नाम दिया गया है, जो 2030 में टाइटन पर लैंड करेगा। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए और जुड़े रहिए साइंस इन हिंदी के साथ। धन्यवाद।